लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में इस तीसरी गैंगरेप की घटना ने एमपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीनों घटनाओं में दरिंदों ने इंसानियत को तार तार कर दिया। आपको बता दें कि कल रात बैतूल जिले में एक युवती अपने मौसेरे भाई के साथ पेट्रोल लाने जा रही थी, तो जंगल में 7 आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। भाई ने जब इसका विरोध किया तो दरिंदों ने उसे कुएं में फेंक दिया। 4 घंटे तक आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कोई भी जंगल में मदद के लिए नहीं आया। बताया जा रहा है कि 7 आरोपियों में से 3 नाबालिग थे। भाई किसी तरह से कुएं से निकला और घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। न्यूज़ डेस्क।